और मेरे फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप? सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉलीव्यूज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड मूवी गांधी गॉड से एक युद्ध मूवी के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी गांधी गॉड से एक युद्ध जो कि रिलीज हुई थी 26 जनवरी 2023 26th of January 2023 मूवी को थर्सडे के दिन रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात करें तो बता दें कि इस मूवी को क्रिटिक्स द्वारा 5 में से 3 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। तो वही अगर हम स्क्रीन काउंट्स की बात करें तो बता दें कि इस मूवी को वर्ल्ड वाइड लगभग 500 स्क्रीन्स पे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था, यानी कि 500 स्क्रीन्स इसे वर्ल्ड वाइड दिए गए थे। मूवी गांधी गॉड से एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ड्रामा मूवी थी जिसको राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। मूवी के अगर हम राइटर्स की बात करें तो इसकी स्टोरी एंड साथ ही स्क्रीन प्ले किया था राजकुमार संतोषी ने। तो वही मूवी के डायलॉग्स लिखे थे असगर वजाहत ने। बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी को राजकुमार संतोषी एंड साथ ही मंडिला संतोषी दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। तो वही मूवी के प्रोडक्शन हाउसेस यानी कि प्रोडक्शन बैनर्स की बात करें तो इस मूवी को संतोषी प्रोडक्शंस LLP इसी बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था। इस मूवी के जरिए राजकुमार संतोषी ने 10 सालों के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना ऐसा डायरेक्टर वापसी की थी। इससे पहले उन्होंने साल 2013 में बॉलीवुड फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो मूवी को डायरेक्ट किया था। अगर आप लोग फटा पोस्टर निकला हीरो मूवी का भी कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कास्ट यानी कि कलाकारों की। तो मूवी गांधी गॉडसे के अंदर दीपक अंतानी, चिन्मय मंडलेकर, पवन चोपड़ा, तनिषा संतोषी, अनुज सैनी, मुकुंद पाठक, घनश्याम श्रीवास्तव, संदीप भोजक एंड साथ ही विपुल देशपांडे ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। आप सब ये तो जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का नथुराम गोडसे के द्वारा एसेसिनेशन यानी कि गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन इस मूवी के अंदर इस कहानी को थोड़ा अलग ही रूप में दिखाया गया है। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि नथुराम गोडसे महात्मा गांधी जी का एसेसिनेशन तो करते हैं, लेकिन इस एसेसिनेशन के दौरान महात्मा गांधी जी बच जाते हैं यानी कि सर्वाइव कर लेते हैं, जिसके बाद महात्मा गांधी जी अपनी गांधीगिरी के चलते नथुराम गोडसे को सही रास्ते पर लेके आ जाते हैं। ये मूवी अच्छी थी लेकिन थिएटर्स में इतना चल नहीं पाई थी। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अभी तक बता दें कि इस मूवी को किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया गया है। अभी आपके पास बस ऑप्शन है इस मूवी के OTT में रिलीज होने के लिए इंतजार करना। इस मूवी को OTT में कब रिलीज किया जाता है इसके बारे में तो अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बता दें कि किसी कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते अभी तक इस मूवी को किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया गया है। मूवी गांधी गॉड से एक युद्ध बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म पठान मूवी के साथ क्लैश हुई थी। अगर आप लोग पठान मूवी का लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए फाइनली वक्त आ चुका है मूवी गांधी गॉडसे के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट और वर्डिट के बारे में चर्चा करने का। तो मूवी ने अपने डे वन पर इंडिया में अपनी जो ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी वो थी 80 लाख रुपए, 80 लाख की ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी। मूवी ने इंडिया से अपने फर्स्ट वीक यानी कि पहले 8 दिनों में टोटल जो नेट कलेक्शन किया था वो था 2 करोड़ रुपए का। मूवी ने इंडिया से अपने सेकंड वीक में टोटल 30 लाख रुपए 30 लाख की कलेक्शन की थी। तो वही थर्ड वीक में इस मूवी ने अपने बॉक्स और थिएटर से टोटल 10 लाख रुपए की कलेक्शन की थी 10 लाख रुपीज की। इसी के साथ इस मूवी को थिएटर्स में टोटल 3 हफ्तों के लिए रिलीज किया गया था। तो मूवी ने अपने 3 हफ्तों में थिएटर से टोटल जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था 2 करोड़ 40 लाख रुपए 2 करोड़ 40 लाख रुपीज का। मूवी का जो इंडिया का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स GST इंक्लूड हो जाता है, तो वो था 2 करोड़ 86 लाख रुपीज का 2 करोड़ 86 लाख रुपए का। मूवी ने इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट से अपना टोटल जो लाइफ टाइम कलेक्शन किया था वो था 65 लाख 65 लाख रुपीज का। और ये सब इंक्लूड करके मूवी का जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन था सब कुछ इंक्लूड करके तो वो था 3 करोड़ 51 लाख 3 करोड़ 51 लाख रुपीज का।
बजट की बात करें तो आपको बता दें कि इस मूवी का टोटल बजट था 20 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, मूवी गांधी गॉड से टोटल 20 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी। अब मूवी अपने बजट को तो रिकवर कर नहीं पाती है, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है डिजास्टर की। जी हाँ दोस्तों, मूवी गांधी गॉड से बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड साथ ही शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।